अर्थ्स मैग्नेटिज्म, देखो जो अर्थ्स मैग्नेटिज्म है इस चैप्टर में क्या बताया जाता है, अर्थ एक मैग्नेट है, तो अर्थ एक मैग्नेट है तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, तो अर्थ के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, अपने को वो निकालना है, वो अर्थ्स मैग्नेटिज्म है। तो अर्थ का जो मैग्नेट है वो कैसे, अर्थ का मैग्नेट का जो मैग्नेट का नॉर्थ है वो नीचे है, अर्थ के मैग्नेट का साउथ ऊपर है, तो उल्टा मैग्नेट है, जबकि ज्योग्राफिक नॉर्थ ऊपर होता है, ज्योग्राफिक साउथ नीचे होता है। ज्योग्राफी कहती है कि नॉर्थ ऊपर है, पर मैग्नेट कहता है कि साउथ ऊपर है। तो इसीलिए जब आप अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करते हैं तो अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होती हैं, वो नीचे से नॉर्थ पोल्स, नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ से स्टार्ट होती हुई मैग्नेटिक साउथ तक जाती है। तो लाइन समझ में आ रही हैं, ये जो लाइन्स है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। दूसरा पॉइंट, अर्थ के अगर आप फील्ड को बताना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि अर्थ का फील्ड कैसा है और कितनी वैल्यू है कहीं किसी भी जगह पे, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हर लोकेशन पर डिफरेंट वैल्यू कैरी करेगा, कहीं पर कुछ टेस्ला, कहीं पर कुछ टेस्ला, कहीं पर कुछ टेस्ला। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर सेम नहीं है, क्योंकि मैग्नेट जो है वो कैसी है, अर्थ की मैग्नेट सीधी नहीं है, जो ज्योग्राफिक है एक्सिस वो बिल्कुल सीधा होता है नॉर्थ से साउथ, लेकिन अर्थ का जो मैग्नेट है वो टेढ़ा होता है, थोड़ा टिल्टेड होता है। तो ये जो एक्सिस मैग्नेट के अंदर से पास करेगा वो मैग्नेटिक एक्सिस है, तो मैग्नेटिक एक्सिस टेढ़ा है और ज्योग्राफिक एक्सिस सीधा होता है। तो अर्थ की डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो मेरे को क्या बताना है, डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है ये मुझे बताना है। अब सबसे पहली चीज़ मुझे क्या बतानी पड़ेगी, अगर मैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना चाहता हूँ, मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं अर्थ के किस लोकेशन पे खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। तो सबसे पहला काम, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अर्थ की किस लोकेशन पे खड़े हो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये आपका पहला काम है। फिर उस लोकेशन के ऊपर दूसरा काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, कितने टेस्ला वैल्यू है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की उस लोकेशन पे, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा, क्योंकि बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मुझे बी के साथ में क्या बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन। तो अपने को तीन चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी, पहली हम किस लोकेशन पे खड़े हैं, दूसरी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी की क्या वैल्यू है, तीसरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वहाँ पर क्या होगी, ये तीन चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो इसको समझने के लिए आप थोड़ा इमेजिन करें कि सपोज, अब मैं सबसे पहले डिफाइन करने जा रहा हूँ अर्थ की लोकेशन पे कहाँ खड़े हैं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। वैसे तो बहुत तरीके हैं, उनमें से एक तरीका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ऑफ एटलस देखते ही हो तो वहाँ से पता लग जाता है एग्जैक्टली आप किस लोकेशन पे खड़े हो, लेकिन ये पुराना तरीका है लोकेशन चेक करने का। आजकल तो बहुत नई नई लोकेशन है, आप तो GPS ही चल पड़ा, जहाँ मर्जी लोकेशन ढूंढ लो, लेकिन पॉइंट ये है कि ये पुराना तरीका क्या है अर्थ की लोकेशन ढूंढने का। इमेजिन करो कि अर्थ एक स्फीयर है, अर्थ का जो एक्सिस है ज्योग्राफी का वो बिल्कुल स्ट्रेट है, एक्सिस बिल्कुल बीच में से पास हो रहा है, ठीक। इमेजिन करो कि आप उस एक्सिस में से, उस अर्थ के एक्सिस में, अर्थ के अंदर से, ये अर्थ है, अर्थ के अंदर से जो ज्योग्राफिक एक्सिस है उसमें से आप एक इमेजिनरी प्लेन को पास कर रहे हैं, तो आपने अर्थ को दो हिस्सों में बांट दिया, हेमिस्फेयर और हेमिस्फेयर। इमेजिनरी है ये प्लेन, असली अर्थ के अंदर तो क्या ही डालोगे, पर इमेजिन करो कि आपने अर्थ के अंदर जो उसका ज्योग्राफिक एक्सिस है उसके अंदर से ये प्लेन डाल दिया, तो अर्थ के अंदर एंटर कर गया, इमेजिन कर रहे हो। इस प्लेन को इस चैप्टर में प्लेन नहीं बोलते, इसको मेरिडियन बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन वो प्लेन है, वो मेरिडियन है जो ज्योग्राफिक एक्सिस के अंदर से पूरा पास कर दिया, ठीक है। तो ये आपका एक प्लेन है जो अर्थ को दो हिस्सों में बांट गया, पहला पॉइंट क्लियर, इमेजिनरी है। अब इमेजिन करो कि जो अर्थ की लाइंस हैं वो कैसी हैं, कि अगर ये अर्थ है और ये अर्थ का मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ नीचे और साउथ ऊपर है, ये अर्थ का मैग्नेट है, तो लाइंस ऐसे पास करती हैं, देखो ना ऐसे इस तरीके से नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ, कुछ ऐसे, कुछ लाइंस यहाँ भी एंटर करेंगी, कुछ यहाँ भी एंटर करेंगी, कुछ ऐसे, ठीक, चलती जाएंगी, लाइंस ही लाइंस हैं इमेजिनरी। तो इमेजिन करो हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, अंदर तो है नहीं, तो इमेजिन करो कि जैसे ये एक लाइन है जो यहाँ से ऐसे आ रही है, मुझे कैसे पता लग रहा है कि लाइन ऐसे आ रही है, मैं क्या करता हूँ, मैं
एक मैग्नेटिक नीडल लेता हूँ, एक मैग्नेटिक नीडल आती है ना वो ले लेता हूँ, उसको धागे से टांग देता हूँ। तो अगर मैं मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पे रखूँ तो मैग्नेटिक नीडल ऐसे हो जाएगी, और अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो वह ऐसे होगी, यहाँ पे लेके जाऊँ ऐसी होगी, यहाँ पे ऐसी, यहाँ पे ऐसी, यहाँ पे ऐसी, यहाँ से। तो यानी कि आप ट्रैक कर सकते हो कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे अपनी डायरेक्शन शो कर रही हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर जब आपने टांगा तो मैग्नेटिक लाइन्स, जो मैग्नेट नीडल है वो ऐसी थी, तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे एंटर कर रही है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होगा, कुछ ऐसे होगा। क्लियर है यहाँ तक? ऐसी हर लोकेशन की कहानी है सेम। आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो एक काम करो, धागा लो, मैग्नेटिक नीडल लो, टांग दो। वैसी कभी नहीं घूमेगी, वो हमेशा ऐसी हो जाएगी। ऐसे होने का मतलब कहीं ना कहीं से लाइन्स आ रही हैं और ऐसे इस डायरेक्शन में अर्थ के नीचे जाएंगे, क्योंकि मैग्नेट तो अर्थ जमीन के नीचे है, तो लाइन्स सरफेस के ऊपर ऐसे अंदर जाने की कोशिश करेगी। तो इमेजिन कर पा रहे हो इसे कि ये लाइन्स दिखती तो है नहीं, तो कैसे इमेजिन करते हैं? मैग्नेटिक नीडल को टांग के देख लेते हैं कि जहाँ जहाँ वो नीडल जा रही है वहाँ वहाँ लाइन जा रही होगी। पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ पर? अब इमेजिन करो एक मिनट के लिए कि आपके पास सपोज ये एक लाइन है जो ऐसे जा रही थी, आपने एक फिर से प्लेन लिया, आपने इमेजिनरी एक और प्लेन लिया, अब इस बार अर्थ के अंदर प्लेन ऐसे एंटर करवा दिया, ऐसे। कैसे? जहाँ पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रही थी, मान लो मैं अर्थ की सरफेस पे खड़ा हूँ और लाइन ऐसे आ रही है, तो मैंने इस लाइन के क्रॉस एक प्लेन ले लिया जो अर्थ के अंदर डाल दिया, अर्थ के अंदर, ऊपर नहीं, खड़ा मैं ऊपर हूँ लेकिन प्लेन जो जाएगा वो एग्जैक्टली इसके इनसाइड चला जाएगा, कुछ ऐसे ऐसे। तो एक प्लेन जो अर्थ के अंदर एंटर कर रहा है, एक प्लेन जो अर्थ के अंदर एंटर करेगा, और कैसे एंटर करवाना है कि जैसे इस जगह पर लाइन ऐसे आ रही है, तो अपन एक प्लेन लेंगे, जहाँ ये लाइन जा रही है उस प्लेन में इस लाइन को रखेंगे और अर्थ के अंदर डाल देंगे। तो इमेजिन करो ये प्लेन है। अब ये प्लेन अगर अर्थ की लोकेशन में मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये प्लेन ऐसे एंटर करेगा, कोई बंदा अगर अर्थ की लोकेशन में यहाँ खड़ा है वो अपना प्लेन एंटर करेगा, कोई यहाँ खड़ा है वो अपना प्लेन एंटर करेगा। तो इसका मतलब कि आप जब अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, आप ज्योग्राफिक मेरिडियन को तो चेंज नहीं कर सकते, वो तो फिक्स है, लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे एंटर करेगा अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, अलग अलग जगह से एंटर करेगा, वो डिपेंड करेगा आप किस लोकेशन पे खड़े हुए हैं और मेरिडियन वहाँ से आप पास करेंगे। क्लियर है? अब इसमें हुआ क्या, इसके अंदर एक मेरिडियन कौन सा था, ज्योग्राफिक था, और एक क्या था, मैग्नेटिक था। तो अलग अलग लोकेशंस पे इनके बीच में अलग अलग क्या बनेगा, एंगल बनेगा। उस एंगल को किसके बीच में एंगल, ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। इस मेरिडियन का नाम क्या है, इस प्लेन का नाम क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, थीटा। अब डेक्लिनेशन हर लोकेशन का डिफरेंट है, वो क्यों डिफरेंट है, वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि मेरिडियंस अपने अपने एंगल बनाएंगे हर लोकेशन पे। तो यानी कि लोकेशन को बताने के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ठीक है? अब डेक्लिनेशन का मतलब, थीटा का मतलब लोकेशन, कि आप, क्योंकि हर लोकेशन पे अलग अलग एंगल होगा, थीटा होगा, तो वो डेक्लिनेशन डिफाइन कर देगा। अब हम कर क्या रहे हैं इस चैप्टर में, हम ये कर रहे हैं कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर रहे हैं कि किस लोकेशन पे कितनी बी की वैल्यू है, कितनी उसकी डायरेक्शन है। तो तीन चीज़ें मैंने बता दी थी आपको, पहली चीज़ किस लोकेशन पे, दूसरी चीज़ कितनी बी की वैल्यू है, और तीसरी चीज़ बी की डायरेक्शन क्या है। इन तीन चीज़ों को क्या, ये तीन चीज़ें क्या करती हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली डिफाइन करती हैं। तो इन तीन चीज़ों को नाम दिया जाता है मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्या हैं, ये वो क्वांटिटीज हैं जो डिस्क्राइब करती हैं कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट एनी पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं। तो ये क्या है आपका, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ में सबसे पहला एलिमेंट क्या हुआ, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो डेक्लिनेशन क्या बताता है, आप अर्थ के किस लोकेशन पे खड़े हुए हैं, वो क्या है, डेक्लिनेशन, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा। क्लियर है यहां तक? तो ये मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है।
अब इसमें ये मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है, डेक्लिनेशन के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स नहीं आते, हम ज्योग्राफी खोल के नहीं बैठ सकते कि अब ये लोकेशन बताओ, अमेरिका बताओ, इंडिया बताओ, ये कंट्री वो, हम क्यों करेंगे यार, हमने यहाँ लोकेशन थोड़ा स्टडी करनी है, हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है। तो इसलिए डेक्लिनेशन पे कुछ नहीं आता, बस पता होना चाहिए डेक्लिनेशन होता क्या है। असली चीज़ क्या है, कैलकुलेटिंग टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला। तो सेकेंड एलिमेंट समझाने और थर्ड एलिमेंट से पहले ये डायग्राम समझ लें। ये जो पीछे का मेरिडियन है, पीछे का प्लेन है, ये प्लेन क्या है, ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो पीछे का प्लेन क्या है, ज्योग्राफिक मेरिडियन, राइट। और ये जो प्लेन है ग्रीन वाला, इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। और दोनों के बीच में सपोज एंगल कितना है, थीटा। क्लियर हो गया यहां तक, एंगल इज थीटा। अब जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये कहां, ये दोनों प्लेन्स कहां बन रहे हैं, अर्थ के अंदर बन रहे हैं, बाहर नहीं बन रहे। आप इमेजिन करें जो अर्थ है ये कुछ ऐसे है कि जैसे आप अर्थ की बात कर रहे हो, ये अर्थ के अंदर बन रहा है सारा। तो जैसे लाइन आ रही है, ये देखो बी वेक्टर लाइन ऐसे आ रही है, तो ये सब अर्थ के अंदर है। तो इसके अंदर जहां से लाइन आ रही थी, ये पूरी की पूरी जो लाइन आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की, मान लो पीछे से आ रही है, ये रही बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है, लाइन आ रही है। ये लाइन किसके अंदर लाई करेगी, कौन से मेरिडियन में, ज्योग्राफिक की मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, क्योंकि हमने डिसाइड किया था लाइन हमेशा, तो मैग्नेटिक मेरिडियन हमेशा लाइन के बीच में रहेगा, तो लाइन हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में रहेगी। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर नेट फील्ड भी है, और ये डायग्राम एक्चुअल में अगर यहां बनाऊंगा अर्थ के अंदर जाके बनेगा, बाहर कैसे बन सकता है, क्योंकि मैग्नेट तो अर्थ का, अर्थ के अंदर है। तो ये पूरा डायग्राम अर्थ के अंदर जाके बनेगा, अगर जमीन खोदेंगे तो अंदर की तरफ वेक्टर बन रहा है ऐसा, इमेजिन कर रहे हो इसे। तो लाइन जबकि हवा में आ रही है, पर एंटर वो जमीन के अंदर कर रही है, तो इमेजिन करें एक ऐसा बी वेक्टर है, बी वेक्टर ने अर्थ की सरफेस, ये अर्थ की सरफेस है पूरी की पूरी, हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं, ये अर्थ की सरफेस है। तो बी वेक्टर ने अर्थ की सरफेस के साथ एक कॉम्पोनेंट बनाया एच, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, और जमीन के बिल्कुल वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनाया, वर्टिकल कंपोनेंट बनाया भी। तो बी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट एच है, एक कंपोनेंट वी है, कोई डाउट इसमें। बी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए आपको एंगल लेना पड़ेगा, और वो एंगल क्या, एंगल ऑफ डिप। बी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए एंगल लेना पड़ेगा, एंगल ऑफ डिप, डाउट इसमें, ठीक। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या चीज है, जो बी वेक्टर ने एंगल बनाया किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, अर्थ की सरफेस के साथ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, तो एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या बताता है, बी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है कि बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। क्लियर है यहां तक। तो आपको अगर मैं ये कहूं कि पहला एलिमेंट क्या है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, दूसरा एलिमेंट क्या है, जो डायरेक्शन बताता है बी की, वो कौन है, एंगल ऑफ डिप। अब तीसरा, तीसरा मुझे बताना है कि बी की वैल्यू कितनी है। तीसरा देखो, मुझे बी की डायरेक्शन बता दी मैंने, लोकेशन बता दी मैंने, बी की वैल्यू भी तो बतानी पड़ेगी। बी की वैल्यू बताने के लिए या तो मैं बी की इस तरह वैल्यू बता दूं आपको कि बी कितनी टेस्ला वैल्यू है, काम खत्म। तो मैं बी की वैल्यू बता देता हूं, बी की डायरेक्शन बता देता हूं, काम खत्म, कंप्लीटली बी आ गया। लेकिन मैं बी की वैल्यू बताने की बजाय तीसरा जो कॉम्पोनेंट लेता हूं, जो अर्थ के फील्ड को डिफाइन करता है, इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग बी, मैं डिफाइन करता हूं एच, कि इस टोटल बी का जो कॉम्पोनेंट है हॉरिजॉन्टल, वो कितना है एच, और वर्टिकल कितना है बी वी। तो तीसरा एलिमेंट कितना हुआ, कौन सा मैंने डिफाइन किया, H, H का मतलब टोटल B का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H। क्लियर है यहां तक। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है H। अब अगर मैं इस B के कंपोनेंट्स लूं, तो B का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, बोलो, B cos डेल्टा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, B sin डेल्टा। अब पॉइंट ये है कि अगर मैंने आपको डेल्टा दे दिया, डेल्टा दे दिया, अगर मैंने आपको एच दे दिया, तो ऑब्वियसली आप क्या निकाल सकते हो, वहां से बी निकाल सकते हो। और मुझे चाहिए भी क्या, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी मैं निकाल सकता हूं। अगर मुझे एच पता है, मुझे डेल्टा पता है, तो बी आ जाएगा। पर मेरा एक क्वेश्चन है, इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत क्या थी, तीसरा एलिमेंट एच रखने की जरूरत क्या थी, तीसरे एलिमेंट को बी रख देते, तीसरा एलिमेंट बी, सीधा बी आ जाता, पहले एच दूंगा। मतलब मैं अगर आपको अर्थ के फील्ड को डिफाइन करने को दूंगा कि यहाँ पर इतने टेस्ला फील्ड है, तो मैं आपको बी नहीं दूंगा, मैं आपको एच दूंगा, और मैं आपको डेल्टा दूंगा, आपको खुद कहूंगा एक काम करना है, एच और डेल्टा से बी निकाल लेना। भाई ऐसा क्यों, सीधे बी दे दो, ऐसा क्यों किया मैंने, या ऐसा क्यों किया गया इन्होंने, क्योंकि बी भी तो दे सकता था, बी की जगह एच दे दिया, स्टूडेंट खुद कैलकुलेट करेगा। क्यों, क्योंकि
एच अर्थ के ऊपर होगा, अर्थ के अंदर जाके कौन वी निकालेगा और बी निकालेगा, अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को निकालना सबसे आसान है क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सरफेस के साथ साथ होते हैं। हमारे पास ऐसे मैकेनिज्म है जिससे हम एक सेकंड में एच को निकाल सकते हैं, तो एच निकालना सबसे आसान होता है अर्थ का। तो अर्थ का किसी भी जगह पर सबसे पहले क्या निकलता है, एच निकलता है। तो एच निकालना आसान है, डेल्टा निकालना आसान है। डेल्टा में कुछ करना ही नहीं है, आप वो एक मैग्नेटिक नीडल ले आओ, तो मैग्नेटिक नीडल को टांग दो बस, वो पूरी एक नीडल होती है स्फीयर 3D की फॉर्म में, पूरी घूम जाती है, तो वहाँ पर रखोगे एंगल बता देती है मशीन से, आप रखोगे डिप सर्कल, तो डिप सर्कल बोलते हैं उसे, तो डिप सर्कल 3D में घूमती है, तो आप वहाँ रखोगे वो नीडल आपको एंगल बता देगी, एंगल ऑफ डिप इतना, खत्म, कुछ करना नहीं, एंगल ऑफ डिप तो वैसे ही बता देगी वो आपको। एच निकालने का एक बड़ा आसान तरीका है मेरे पास, मैं बताऊंगा एच कैसे कैलकुलेट करते हैं। एच आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, तो रह क्या गया, बी कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आया? तो इसलिए तीन एलिमेंट्स जो कि अर्थ के फील्ड को डिफाइन करते हैं, उनमें से पहला एलिमेंट डिक्लिनेशन है, दूसरा इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप ज़्यादा फेमस है, एंगल ऑफ डिप है, और तीसरा हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है। ये क्वेश्चन 101% आपके पेपर में आएगा, CBSE में, नीट में, मेन्स में आना ही आना है। CBSE में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डिफाइन थ्री मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, बस। तो आपने लिखना है थ्री मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, ये तीन, साथ में ये डायग्राम बनाना है, पूछा हो ना पूछा हो बनाना है, फिर इन तीनों को डिफाइन करना है। सबसे पहले मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में एट अ प्लेस इज डिफाइंड एज ए एंगल जो किसके किसके बीच में, ज्योग्राफिक मेरिडियन मेक्स विद द मैग्नेटिक मेरिडियन, पहली डेफिनेशन। दूसरी मैग्नेटिक डिप इंक्लिनेशन, या डिप क्या होता है, डिप एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल विच हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मेक्स विद द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल बनाया, एंगल ऑफ डिप। तीसरा हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज ए हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ टोटल अर्थ का फील्ड का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट एच जो किस मेरिडियन में बनता है, मैग्नेटिक मेरिडियन में बनता है। तो ये लिखना है, फिर आपने इस ट्राइंगल को देखते हुए ऐसा लिखना है, अगर ये वी है तो ये भी वी है, तो आपने लिखना है टेन ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई एच, वी डिवाइडेड बाई एच, टेन डेल्टा वी बाई एच। और आपने ये भी लिखना है कि टोटल वी की वैल्यू विल बी इक्वल टू वॉट, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कोई डाउट इसमें? तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक?